नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ, आप लोगों की स्वागत कर रही। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स के लिए हम चेक करेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, और उनका अगर कोई एक्शन है मतलब वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप डिटेल्स पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड। ये बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, बंदा फिलहाल जो है अपनी अपने एनर्जी में है, खुद की एनर्जी, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट में भी है बंदा। इनको लगता है कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप में रहना, खुद के बारे में सोचना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को अहमियत देना। और हो सकता है इन्होंने ऐसा भी मन बना लिया है कि थोड़ी देर के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए, और मूव ऑन करके सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जो ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया, जो दुख, जो परेशानी है, जो बातें उनको परेशान करता है, उस बात से खुद को अलग रख के अपने बारे में सोचा जाए, अपने आप को रेनोवेट किया जाए, अपने बारे में सोचा जाए, खुद से प्यार किया जाए। क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये अपने आप में खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। घूमना फिरना, कई बार जाना, अपने जो भी घिसे पिटे पुराने जो भी परेशानी थे, सर्कल थे, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है बंदा। ये अभी कुछ वक्त के लिए मैं कहूँगी अपने बारे में सोचना चाहते हैं, और दुख से मूव ऑन करना चाहते हैं, परेशानी से मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी चीज़ इनको दुख देता है, परेशानी देती है, वो सारा चीज़ ये उस परिस्थिति से भी मूव ऑन करने के बारे में बंदा सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या सोच रहे हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। और एक बात, एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आप खुद क्या सोचते हो। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, एस ऑफ कप्स, आप अपने तरफ से अपनी जो प्यार है, अपना जो इमोशन है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ अपना इमोशन को शेयर करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, क्योंकि थ्री ऑफ वंड्स के कार्ड आए हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो किसी डिसीजन का, डिसीजन लेने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का, और साथ ही साथ अपना जो इमोशन है उसको आप उनके साथ बांटना चाहते हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये, आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है,
और ये कोई नया रिश्ता है नहीं, ये बहुत पुराना रिश्ता है। हाउ मेट के कार्ड भी आए हैं और आपको ये लगता है कि ये रिश्ता थम सा गया था, रुक सा गया था या फिर रुक गया है, इसे फिर से दोबारा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, उस रिश्ते को दोबारा से पाना या फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचना, क्योंकि हामेट के कार्ड आए हैं तो ये रिश्ता तो पुराना रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता है नहीं, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं रुक गया था। मुझे लग रहा है कि रिश्ते में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गया था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है कि रिश्ता रुक गया था, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो आपने सोचा कि इस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लिया जाए लेकिन समझदारी से। साथ ही साथ आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता लग रहा है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता लग रहा है, इसीलिए आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है और रिश्ता पुराना भी है। उस बात को भी आप नहीं नकार पाते हो कि ये इतना पुराना रिश्ता है, लेकिन इतना पुराना रिश्ता होने के बाद भी रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया था, रुक गया था, तो आप उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे क्या इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। 4 of Swords, 10 of Wands and 4 of Pentacles, अगर मैं सच कहूँ तो आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन के बारे में बंदा सोच नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक लेट गो नहीं कर पाया है पुरानी बातों को, पुरानी परेशानी को। अगर रिश्ते में कोई परेशानी था, कुछ भी वजह था, जो भी वजह से रिश्ता ख़राब था, इस चीज़ को ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, खुद को खुश रखने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर मैं एक्शन के बारे में कहूँ, एक्शन ये तभी लेंगे जब ये चीज़ों को लेट गो कर पाएंगे। अगर बंदा या बंदी लेट गो नहीं कर पाता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। 10 of Wands, ये अपने सर पे उस बोझ को लेके घूम रहा है बंदा और हमेशा ये सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने क्या कर दिया, ये वो कुछ परेशानी हुई होगी आपके रिश्ते में। तो बंदा उसी चीज़ को अभी भी दोहरा रहा है और इन 72 घंटे में भी दोहराएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बंदा 72 घंटे में अपने बारे में सोचने में बिजी रहेगा और आप जो हो वो आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप रुका हुआ रिश्ते को चलाने के बारे में सोचोगे, आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, मतलब रिश्ते में मूव ऑन करना, रिश्ते से दूर हो अगर आप तो रिश्ते में जाना, रिश्ते को आगे ले जाना, कोई डिसीजन अगर आपने पेंडिंग रखा था तो उस डिसीजन को लेना। आपकी सोच बहुत पॉजिटिविटी की तरह जा रहा है, जाएगा इन 72 घंटे में, और आपकी पर्सन की सोच जो है वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी किसी तरीके से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदा अपने बारे में सोचने में बिजी रहेगा। तो कोई अगर अपने बारे में सोचता है तो इसे हम नेगेटिव तो नहीं कह सकते, तो ये अपने बारे में सोचने में बिजी रहेगा। और जो एक्शन लेने की अगर मैं कहूँ तो ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगा, ये रुका रहेगा, इंतज़ार करेगा और साथ ही साथ अपनी किस्मत को कोसेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर रिश्ते में कोई परेशानी है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि एक्शन लिया जाए, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके से कुछ कम से कम 72 घंटे में तो इनकी तरफ से मुझे सोच रहे हैं या रहेगा, इस तरीके का कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको इन 72 घंटे में। कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना, जैसा कि आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर इमोशनल हो जा रहे हो
ओवर रिएक्ट मत करो, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहो। आप अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको मेहनत से ही सब कुछ मिलना है, चाहे वो रिश्ता हो, घर हो, परिवार हो, जो भी है वो आपको मेहनत करके मिलेगा और आप हो भी मेहनती। इसीलिए आपको अपने तेवर नहीं छोड़ने हैं, अपने अंदाज नहीं छोड़ने हैं। साथ ही साथ आपका जो इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है उसके लिए आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हो। रिकॉन्सिलेशन आपको मिलेगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, चाहे ये 72 घंटे में हो, चाहे 74 घंटे में हो, चाहे अगले कुछ दिनों में हो, ये होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इमोशन को ओवरफ्लो करें। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखें, अपनी एनर्जी को स्टोर करें, और जो ऐसा मेहनत आप अपने लिए कर रहे हो उस तरीके से मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिश्ते में हमेशा दिल का इस्तेमाल करना अच्छा होता है, मैं खुद भी करती हूँ, मैं बोलती भी हूँ लोगों को, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि हमेशा दिल से सोचने वाला बंदा या बंदी परेशानी में आ जाता है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, 12 के 12 राशि हो सकते हैं, राशि में मत जाइए, आप एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।